अलीगढ़ के तहसील खैर और गभाना के बॉर्डर पर नहर कटान से किसानों की दर्जनों बीघा फसल जलमग्न हो गई। इस बात की जानकारी होने पर डीएम विशाख जी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश दिए। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आसपास के नहर और नालों में पानी का बहाव तेज हो चुका है, जिसे देखते हुए डीएम अलीगढ़ के आदेश के बाद जिले भर के यमुना घाटों और नदियों का निरीक्षण किया जा रहा है। डीएम ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान एडीएम वित्त एवं प्रभारी देवीय आपदा मीनू राणा, मुख्य अभियंता सिंचाई ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, एसडीएम गवान अभिनीत, एसडीएम खैर महिमा, एसडीएम गोपाल कृष्ण, अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार, एसडीओ नानक चंद, वैभव ओमकार हरिओम सहित अवर अभियंता एवं राजस्व विभाग से अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट। ब्रांच में जो एक ब्रीच हुआ था, कल से ही लगातार सिंचाई विभाग की टीम और साथ साथ स्थानीय प्रशासन के द्वारा मौके पर स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो हेड से कोऑर्डिनेशन करते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने फ्लो को तो रुकवा दिया और उसके साथ साथ जो ब्रीच हैं, ब्रीच में भी अभी जो कार्य चल रहा है और वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और अब लगातार अगले 2-3 दिन तक उसको रिस्टोर करने में भी काम कंटिन्यू किया जाएगा। सिंचाई विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, चीफ इंजीनियर से लेकर के SC XCN और पूरी टीम मौके पर लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट में हमारे रेवेन्यू विभाग के अधिकारीगण भी लगे हुए हैं। जो संबंधित जो एरिया के जो प्रभावित ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे हमारे रेवेन्यू के इंडिविजुअल ऑफिशियल्स हैं जो हर ग्राम पंचायत में, वो भी तैनात हैं ताकि स्थानीय स्तर पर किसानों को, ग्रामीणों को किसी प्रकार का समस्या का समाधान। जो इस क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा है कि गभाना और खैर का बॉर्डर एरिया है, तो दोनों तहसीलों के कुछ गांव प्रभावित हुए हैं और हर ग्राम पंचायत में, जैसे मैंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर लेखपाल कानूनों वगैरह तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी प्रकार का समस्या